पंजवीं अठवीं ते दसवीं दे जो विद्यार्थी ने उन्होंने प्रमोट किया जाएगा पर बिना एग्जाम्स लए। साढ़े सहयोगी नितिका साढ़े नाल बने हुए ने। नितिका की मापदंड होंगे पंजवीं अठवीं ते दसवीं दे विद्यार्थियों नूं प्रमोट करन दे लई? बिल्कुल अमृता जी, गल की जाए पंजवीं की गल की जाए तो पंजवीं बोर्ड के एग्जाम जोड़े ने शुरू हो गए थे। इस तो पहला कि पंजाब सरकार कोई सख्ती दिखाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इंस्टीट्यूट्स बंद कर दी एजुकेशनल, तो जिस कारण पंजवीं के जोड़े ने चार सब्जेक्ट्स के पेपर हो गए थे। तो पंजवा सब्जेक्ट का पेपर जोड़ा वो बाकी सगा। यही कह दिया गया है कि जिन्ने भी मार्क्स चार सब्जेक्ट्स आते हैं उस हिसाब के पंजवें सब्जेक्ट भी मार्क्स दिए जाएंगे, तो उस ही जरा रिपोर्ट बन जाएगी, यानी कि उस हिसाब मार्क्स जोड़े ने दिए जाएंगे। अठवीं से दसवीं की गल की जाए क्योंकि दोवें बोर्ड द्लासा ने पर प्रीख्या जोड़िया शुरू नहीं हुई सियाँ, उस लैके फैसला लिया गया है कि प्री बोर्ड एग्जाम जोड़े हुए थे वे किन्ने मार्क्स रहे ने, नाली इंटरनल असैसमेंट के चलते जोड़े भी मार्क्स जो बच्चों मिले हुए हैं उसके हिसाब के उन्होंने मार्क्स दिए जाएंगे। बारहवीं लैके हाले फैसला जोड़ा वो नहीं लिया गया। देखो पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र को पहला ही लिखा से, उन्होंने वालों भी यह कंसर्न किया गया कि दसवीं ते बारहवीं दे जिहड़े एग्जाम्स ने उसनों पोस्टपोन किया जाए जदों सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उस तो बाद एग्जाम्स जिहड़े ने कंडक्ट किए जा सकते हैं। पहला भी तो अंदाजी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अठवीं ते दसवीं दी जिहड़ियां प्रीख्या सीगियां उसनों मुलतवी किया सीबीएसई दे एग्जाम्स दे एग्जाम्स नूं देखदे हुए, क्योंकि जिहड़े भी फैसले सीबीएसई वालों ले जा रहे हैं उसके हिसाब नाल ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी फैसले ले जा रहे हैं। हालांकि पंजाब च क्योंकि केसिस लगातार वध ने, कई स्कूलों के असी विच देखिया कि जदों स्कूलों विच बच्चों ने जाना शुरू किया भावें स्कूलों च इंतजाम जिहड़े ने किए गए सी, पर कई बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए तो कई टीचर्स भी पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहे वह स्कूल्स होन या फिर कॉलेजेस होन उन्हें बंद किया गया। हालांकि टीचर्स जिहड़े ने ते नाल ही स्टाफ उन्होंने स्कूल बंद नहीं सीगे, उन्होंने स्कूल हर रोज़ आना हुंदा सी क्योंकि यह मन्या जा रहा सीगा कि शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। किते ना किते स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज सीगे कि एग्जाम्स होणगे या नहीं होणगे, इसलिए पढ़ाई उन्होंने वालों लगातार जारी सी, ऑनलाइन क्लासेस भी वो लगातार लगा रहे सीगे। पर अज सरकार ने एक वड्डा फैसला यही लिया है कि जिहड़े एग्जाम्स ने वो कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो पंजाब दे विच हुण भी गल कीती जावे 28,250 के करीब जिहड़े ने एक्टिव मामले ने, लगातार मौतां जिहड़ियां ने कोविड के कारण हो रही ने, चेन तोड़नी जिहड़ी है जरूरी है। यही कारण है कि सरकार पहला भी पाबंदियां लगाती हुई नजर आ रही थी तो हुण भी अज भी हो सकता है कि कई होर पाबंदियां जिहड़ियां लगाईआं जा सकदियां ने। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा है वो भी लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसनों लेके जरूर जानकारी नितिका मिल रही है। तो यह भी तुहाडे तों जानना चाहवांगे कि जिस तरह का फैसला लिया गया सी कोई कोई सरकारी कट नहीं किए जाणगे, बावजूद इसके जो कट हो रहे हैं या इस तरह की कोई गैदरिंग हो रही है, जो कोई मीटिंग्स हो रही ने, उसके खिलाफ कोई फैसला लिया गया या नहीं? देखो ये भी आज जानकारी दी जाएगी कि रैलियां ते जदों दी रोक लगाई है उस तो बाद किसी ने भी रैली की है या फिर उन्होंने कोई कार्रवाई जी है वो पंजाब सरकार वालों की गई है नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने वालों कहा गया सीगा कि जे कोई भी पॉलिटिकल रैली होंगी है क्योंकि उससे पूरी तरह रोक लगाई गई सी, तो कहा गया सी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जी है उन्होंने कार्रवाई की जाएगी। अज उस लैके भी डीजीपी ने दसना है कि किसी ने कार्रवाई जी है वह की गई है नहीं। जे प्राइवेट स्कूल ने लगातार ये कह रहे थे कि असी स्कूल खोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वालों कहा जी तुसी रैलियां ते बैन नहीं लगा रहे तो फिर तुसी स्कूल क्यों नहीं खोल रहे। हालांकि पेरेंट्स की गल की जाए तो मिक्स जड़े ने रिएक्शन सामने आ रहे थे, कई पेरेंट्स कह रहे थे कि स्कूल खोल देने चाहिए ने क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जी लगातार सफर हो रही है, तो कई पेरेंट्स कह रहे थे कि हाले सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल कमाई करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने वालों स्कूल खोले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहना सीगा कि हाले स्कूल ना खोले जाए क्योंकि बच्चे जड़े ने उन्होंने समझाना मुश्किल होंगे, उन्होंने अवेयर करना मुश्किल होंगे, इसलिए स्कूल ना खोले जाए। तो कह सकते हैं कि सारे पहलुओं को देखते हुए ये फैसला जिहड़ा पंजाब सरकार ने लिया है, तो होर भी कई फैसले जिहड़े ने अज लए जा सकते हैं क्योंकि असीं जदों देखिया रिलीजियस प्रोग्राम जिहड़े हुंदे ने उहदे विच लगातार जिहड़े लोग ने उह चाहे मंदिर होवे गुरद्वारा होवे मस्जिद होवे उहदे विच जांदे ने, उस नूं लैके भी कोई ना कोई सरकार वल्लों फैसला लिया जा सकता है कि ज़्यादा इकट्ठ जिहड़ा ना होवे क्योंकि ये चेन तोड़नी जिहड़ी है जरूरी है। सैकेंड लहर जिहड़ी है वह शुरू हो चुकी है,
और पहले ही कहा गया सीगा कि भावें यह उन्नी खतरनाक नहीं है पर यह स्प्रेड जिहड़ा वह बहुत तेजी नाल हुंदा है। जिहड़ा यूके स्ट्रेन जिसने पंजाब दे विच एंट्री मारी ते हुण जिहड़े ने 80% तो ज़्यादा केसिस दे विच जिहड़ा यूके स्ट्रेन पाया जा रहा है। तो जे गल की जाए SAS नगर की या फिर लुधियाना की होशियारपुर SBS नगर इत्थे सब तो ज़्यादा मामले जिहड़े ने सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी ना किसी जिले में लैके भी उत्थे ज़्यादा पाबंदियां जिहड़ियां ने वह लगाईआं जा सकदियां ने। जी बिल्कुल, तुहाडा भी धन्नवाद ते होर तमाम रिपोर्टर्स जो इस जानकारी देने लई साडे नाल जुड़े सारयां दा ही बहुत धन्नवाद।